हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लाए हैं माइक्रोटेक ग्रीन बॉक्स एक्ट 86 से 2 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन 1480 स्क्वायर फीट के साइज में। सोसाइटी बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सेंट्रल, बड़ा ओपन पार्क मिल जाता है आपको। दोनों तरफ फ्लैट्स हैं तो फ्लैट्स के बीच में अच्छी खासी स्पेसिंग है और बढ़िया ओपन एरिया मिल जाता है आपको। ये लेआउट है हमारा, एंट्री के साथ ही आपका स्टडी है, एल शेप लिविंग डाइनिंग एरिया है, प्रॉपर किचन, दो बालकनीज के साथ दो रूम्स हैं। ये है इसकी लॉबी, L&T का कंस्ट्रक्शन है तो क्वालिटी आपको दिख जाएगी हर जगह। यहाँ पर लॉबी के साथ ही इन्होंने नीचे दो रूम्स भी दिए हैं मीटिंग वगैरह के लिए। हर फ्लोर पे 3 लिफ्ट्स हैं। ये आ जाते हैं वो हमारे सैंपल फ्लैट में, जो मैंने आपको बताया था अभी, स्टडी है ये, 8x4.5 विड्थ, थोड़ी कम है लेकिन लंबाई अच्छी है। स्पेस देखने में ज़्यादा लगता है, मेजरमेंट तो कम लग रही थी। लिविंग एरिया 10x15 अच्छा खासा और एल शेप में आ जाता है। डाइनिंग एरिया साथ में 7x11.5, दोनों मिला के एक अच्छा लिविंग एरिया बन जाता है। 2+ स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगता आपको। बालकनी में आ जाते हैं, ये 5x16 फिट की अच्छी खासी बड़ी बालकनी है यार, नॉट बैड एट ऑल। और सामने पूरा बड़ा ओपन ग्रीन स्पेस। सामने की तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है ये सेकंड स्विमिंग पूल है इसका, फर्स्ट स्विमिंग पूल क्लब के साथ में ही है। तो सोसाइटी में दो डिफरेंट स्विमिंग पूल दिए हुए हैं। ये सामने की तरफ 4 BHK वाले टावर्स हैं जिसके नीचे क्लब है, उसकी भी वीडियो मैंने आगे डाली है। तो वापस अंदर चलते हैं, लिविंग डाइनिंग हो गया, सामने आपका किचन है। विड्थ कम लग रही है देखने में लेकिन ये है 7x11 फीट, लंबाई प्रॉपर है। सोसाइटी में मैंने सबसे बड़े किचन देखे अब तक के। अब आगे चलते हैं हमारे बेडरूम्स में। फर्स्ट बेडरूम है आपका 11x12, स्टोरेज एरिया एक्सक्लूड करके, तो 11x12 आप पूरा यूज कर सकते हो। स्टोरेज के लिए आप देख सकते हो अलमीरा बड़ी हुई है, साथ में बालकनी और अटैच टॉयलेट बाथरूम है। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है मास्टर बेडरूम के साथ। मास्टर बेडरूम है आपका 13x11, अगेन एक्सक्लूडिंग स्टोरेज जो कि अलग से दी गई है, और उसके साथ में बालकनी भी है जो कि 5x19 फिट है। तो अच्छा खासा बालकनीज बहुत बड़ी बड़ी दी है इन्होंने। इस सोसाइटी की खासियत ही यही है कि आपको कहीं भी स्पेस की कमी नहीं लगेगी। सबसे बड़े रूम साइजेस, सबसे बड़ी लिविंग एरियाज, किचन्स, स्पेशली किचन्स जो कि लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सब जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाता है किचन पर ही, लेकिन यहाँ प्रॉपर बड़ा किचन दिया गया है। कॉस्ट थोड़ा सा है इसका क्योंकि L&T का कंस्ट्रक्शन है, बढ़िया क्वालिटी की चीज़ दी है, तो प्राइस थोड़ा सा आता है, 90 से ऊपर ही चला जाता है, लेकिन क्वालिटी आपको हर जगह नज़र आएगी। एक ऐसा क्लब है जिसमें कि सभी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, इवन आपको इंडोर थिएटर भी दिया गया है, अपनी फैमिली के साथ सेपरेट व्यूइंग के लिए आप बुक भी करा सकते हैं मिनिमल अमाउंट पे। बाकी क्लब में सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। इस तरह की लॉबी है, किसी भी लग्जरी सोसाइटी से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। रेस्ट्रो एरिया थोड़ा सा, अभी कोविड की वजह से सब कुछ बंद है जिस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना काफी शानदार होता है अगर अंदर जाकर एक एक चीज हम दिखा पाते। ये इसका जिम है, प्रॉपर जिम है, दूसरी तरफ से और मैं दिखाऊंगा तो इसका एरिया का आइडिया आपको लग जाएगा कितना बड़ा एरिया है। आपके फंक्शन वगैरह के लिए यहाँ पर अच्छे खासे बड़ा हॉल मिल जाता है आपको, वो मैं शायद इस वीडियो में आपको नहीं दिखा पाऊंगा।
ये बैंक्वेट के लिए मेन रिसेप्शन एरिया है। ये जिम का दूसरा एंगल जो मैं आपको प्रॉमिस किया था, इससे आपको लंबाई चौड़ाई का आइडिया ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। ये सामने की तरफ अभी यहाँ पर पेड़ों में एक मंदिर भी बनाया जा रहा है। ऑलमोस्ट 300 फैमिलीज यहाँ मूव कर रहे हैं और दिवाली के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं और कम से कम 200 के आसपास फैमिलीज तो और शिफ्ट हो जाएंगी। ये इकलौता क्लब हाउस है जहाँ एटीएम भी लगा हुआ है। अभी तक मैंने ये कहीं नहीं देखा था। तो सोसाइटी के अंदर ही आपको एटीएम भी मिल जाता है। यहाँ पर आपका हॉबी एरिया है अलग अलग हॉबीज के लिए, बच्चों के लिए। आगे म्यूजिक रूम भी दिया है यहाँ पर। ये है म्यूजिक रूम। तो आकर देखिए कभी हमारे साथ, सोसाइटी की फील लीजिए। कभी भी विजिट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, या बात ना करना चाहें तो आप व्हाट्सएप पर भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं।